फतेहगांव पुलिस द्वारा दो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 104 लीटर विदेशी अवैध शराब, दो चार पहिया वाहन जब्त किए। देवास पुलिस अधीक्षक श्री कृष्णावेणी देशावतु द्वारा वर्तमान में अवैध शराब एवं वारंटियों की धर पकड़ हेतु सख्ती से अभियान चलाने का निर्देश दिए गए थे। पुलिस अधीक्षक के आदेशों का पालन करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज चौरसिया एवं एसटीओपी ब्रजेश कुशवाहा के निर्देशन में गठित की गई। सोमवार 8 जून को खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती को अवैध शराब का परिवहन करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती, उप निरीक्षक अरविंद भदौरिया, आरक्षक आनंद जाट, रवि राज, रविन्द्र तोमर, जितेंद्र सिंह तोमर, अरुण आर्य, मनीष मीणा, नरेंद्र सिरसाम, ओम प्रकाश पटेल, सैनिक भूपेंद्र के द्वारा तत्परता दिखाते हुए नेमावर रोड से सिल्वर कलर की बिना नंबर की स्विफ्ट कार के साथ आरोपी कमलेश पिता कैलाश 22 वर्ष व गोलू पिता प्रेम नारायण 28 वर्ष निवासी भीलखेड़ी के कब्जे से 81.7 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त कर गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार एक अन्य की सूचना पर दशहरा मैदान नेमावा रोड के पास आरोपी संजय पिता भारत सिंह 32 वर्ष, लखन पिता जगदीश 20 वर्ष निवासी पड़िया देह, जो कि चार पहिया वाहन टाटा टियागो में रखी 23 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। खातेगांव थाना प्रभारी सचिन सिंह मुकाती व टीम को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री कृष्णावेणी देशावतु द्वारा उक्त टीम के उत्साह वर्धन हेतु नगद इनाम देने की घोषणा की। दूसरी सूचना फिर मिली टीआई साहब को के दशहरा मैदान रोड पर भी कोई स्मगलर अवैध अंग्रेजी शराब लेके जा रहा है। उस सूचना पर से फोर्स के साथ जाके दबिश दी गई तो वहाँ एक टाटा टियागो कार MP09WD9711 में अवैध अंग्रेजी शराब करीबन 23 लीटर अवैध 23 लीटर रखी पाई गई। आरोपी संजय शेखावत और लखन नायक निवासी पड़िया देह को धारा 34 के तहत गिरफ्तार किया गया। इस कार्य को इन लोगों ने बड़ी लगन व मेहनत से किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरी टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की है और संपत्ति संबंधी अपराधों में भी थाना प्रभारी खातेगांव और उनकी टीम द्वारा काफी अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है।